कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक एज वेल एज प्रैक्टिकल टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में, देखेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं और क्या इसकी थ्योरी है और क्या इसके प्रैक्टिकल्स हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि मीनिंग क्या है सर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की। सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है, उसके पहले काफ़ी सारी प्रोसेसेस एक कंपनी को फॉलोअप करनी पड़ती हैं जब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो सर, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट का आइडिया दिमाग में लाना होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा या सर्विस आप ऐसी प्रोवाइड कराना चाहते हो मार्केट में। उसके बाद उस रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट रिसर्च होती है कि अगर मैं आज इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं तो मेरे पास कितने पोटेंशियल बायर्स इसके लिए रेडी हो जाएंगे। फिर उसका डिज़ाइन सोचा जाता है कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे। आपकी इमेजिनेशंस फिज़िकल अपेयरेंस में चेंज करी जाती है, जिसको मैं डिज़ाइनिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे। डिज़ाइनिंग करने के बाद आप मार्केटिंग टीम को वो डिज़ाइन दे देते हैं। मार्केटिंग टीम थोड़े सैंपल बना के उसका मार्केट सर्वे करती है, देखती है कि कस्टमर का रिस्पांस यूजेज पे कैसा है। क्योंकि अगर आप वर्बली किसी से पूछते हैं, वो वर्बल मार्केट रिसर्च कुछ और रिजल्ट बताएगी, और जब आप फ्री सैंपल्स देंगे तो कुछ और। इसके बाद डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बाद मान लीजिए कस्टमर रिव्यू भी बहुत अच्छा आया, उसके बाद वो पूरी डिज़ाइनिंग टीम को दे दिए जाते हैं सैंपल कि इस जैसे और प्रोडक्ट हमको स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब काम में आता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है सर, अब आपने उसको डिज़ाइन के लिए दे दिया, तो आप कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि अब ये डिज़ाइन होने जा रहा है, ये मैंने डिज़ाइन के लिए दे दिया, आप मुझे बताइए कि इसमें कॉस्ट कितनी आनी है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कितनी होगी। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या मैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है, जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग से आपने आइडिया सोचा, रिसर्च करी, डिज़ाइन पे खर्चा हुआ, और उसके बाद आप कॉस्टिंग करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की। ऐसा ही होता है। उसके बाद जब आप एस्टिमेटेड कॉस्ट बता देंगे, उसमें जो भी मार्जिन जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इंडस्ट्री में नॉर्मल ऐसी ही प्रोसेस चलती हैं। तो सर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्टार्ट होती है नॉट फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेज, वो स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल बिगनिंग से, जहाँ से उसका डिज़ाइन पे खर्चा होना स्टार्ट हुआ है। द पीरियड यू स्टार्ट स्पेंडिंग योर कॉस्ट, योर इंकरिंग योर कॉस्ट, बेसिकली वहीं से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब क्या है सर, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी आपने कुछ खर्चा करा होगा, तो आप वो क्यों नहीं इंक्लूड करते हो। जबकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या कहती है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि उसने प्रोडक्शन के अंदर वो दे दिया, अब वो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट होंगी, कॉस्ट एस्टिमेट होने के बाद उसमें मार्जिन जोड़ा जाएगा और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगा। यह कॉस्टिंग ट्रेडिशनल सिस्टम। बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कहती है कि सर, जब आप ये सब कर रहे थे तो आप कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर सारे खर्चों को दिखाएंगे अपने, और जो भी खर्चे सारे हैं, जितने भी आपके सारे खर्चे हैं, वो जोड़ने के बाद में आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इस कॉन्सेप्ट को कहती है कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहती है कि सर, जैसा देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट की लाइफ काफ़ी फेजेस में बटी हुई है। अगर मैं बात करूँ पहले फेज़ की, तो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट होती है, कभी कभार, या मैं बोलूँ मोर देन 70% केसेस में, एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का 90% इनिशियल स्टेजेस में उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ही होती है। मैं इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रोडक्ट अभी नया नया आया मार्केट में, ठीक है सर। तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आप कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज एज वी नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल रिवेन्यू के नेचर के आइटम्स आते हैं, नॉट कैपिटल आइटम्स। तो हम लोग बेसिकली देखा जाए तो कैपिटल कॉस्ट को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो हमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कहती है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब हमें कॉस्ट की जो बेसिकली बोलूँ मैं अकाउंटिंग करनी है, कॉस्ट का जो हम लोगों को रिकॉर्ड रखना है, तो आपको कॉस्ट का हिसाब वहाँ से रखना है जब से वो पैसा लगना स्टार्ट हुआ उसके प्रोडक्शन के ऊपर, या डिज़ाइन के ऊपर, या रिसर्च के ऊपर, कहीं पे भी। तो आपको उसकी वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको कॉस्ट का हिसाब रखना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को बायकॉट करता है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और ये बोलता है कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कॉस्ट और अदर कैपिटल कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए,
जब भी हम लोग एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं, विच इज़ रिटर्न इन योर बुक्स। तो डेफिनेशन कुछ इस टाइप की है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट एम्स एट कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ओवर इस प्रोजेक्टेड लाइफ। जितनी भी उसकी लाइफ है, उसकी पूरी लाइफ की कॉस्टिंग आप करेंगे। इट ट्रैक्स एंड एक्यूमुलेट्स द एक्चुअल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब वही जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। ये आपको कॉस्ट बताएगा और ये भी बताएगा कि उससे रेवेन्यू कितना अर्न हो सकता है। इज द रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। देखो इसके साथ में बहुत सारे वर्ड और भी यूज़ करे जाते हैं इस कॉस्टिंग के साथ में, जैसे क्रेडल टू ग्रेव, वॉम्ब टू टॉम्ब, ऐसे वर्ड यूज़ करे जाते हैं। मतलब क्या है, लाइफ साइकिल में। जैसे अब क्रेडल टू ग्रेव का मतलब क्या है, जन्म से लेके जब तक उसकी कब्र नहीं खोद दी जाती, जब तक के पीरियड को कहते हैं क्रेडल टू ग्रेव। या वॉम्ब टू टॉम, पेट से जब वो बच्चा पेट में था और जब तक वो बड़ा होता है, जब तक का कॉस्टिंग। तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसका बढ़िया सा, तो आप समझ लीजिए कि ये एक टाइप की कॉस्टिंग है। जैसे जब आपने बीज बोया एक पौधा लगाने के लिए, उस पर कुछ खर्चा करा, और जब तक वो बड़ा होता है, जब तक के मेंटेनेंस चार्जेस सब जोड़ लीजिए और जितना उससे फ्रूट आएगा उसको एस्टिमेट कर लीजिए, दोनों का एस्टिमेशन करेंगे तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मानी जाएगी। जबकि ट्रेडिशनल में बीज के खर्चों को जनरली नहीं जोड़ा जाता। इसके बाद देखते हैं सर, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। देखिए सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब कोई भी बता सकता है तुमको कि एक प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, बट इन टेक्निकल टर्म्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर सेल लेवल रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ओवर द पीरियड फ्रॉम न्यू आइडिया जनरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग आइडिया जनरेशन करते हैं दिमाग में। तो द डिलीशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट रेंज, मतलब जब से प्रोडक्ट का आइडिया आया था और जब से वो डिलीट हो गया, क्योंकि एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर लाइफ ही होती है, ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रहता। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मोटर व्हीकल्स, दिस टाइम स्पैन मे रेंज फ्रॉम 5 to 7 years। मोटर व्हीकल्स जैसे एक मॉडल आया, वो 5 से 7 साल तक कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आप बोलेंगे सर मेरे फादर के पास जो बाइक है वो 20 ईयर्स पुरानी है या 25 ईयर्स पुरानी है। मैंने ऐसा भी देखे हैं कैसे जहाँ पे 20 to 5 years पुरानी बाइकें भी लोग यूज़ कर रहे हैं। आप हालांकि वो गवर्नमेंट द्वारा भी अलाउड नहीं है, 10 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी उसको बैन कर देती है, ट्रैफिक पुलिस वाले चेसिस नंबर के हिसाब से। बट कंपनी की बात चल रही है सर, यहाँ पे पर्सनल कोई बात नहीं चल रही है। कंपनी एक मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग 5 से 7 साल उसके प्रोडक्ट लाइफ होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट वो स्टैटिक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करती रहती है। तो वो इट इज़ ए नाउ डिफरेंट वेरियंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। जैसे मैं शाओमी के मोबाइल का आइटम लूँ, तो शाओमी के मोबाइल में आप देखेंगे कि शुरू शुरू में जब वो आते हैं तो वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। देन द प्राइस स्टार्ट्स टू डिक्रीज, क्योंकि उसमें वेरिएशन कर देते हैं, रिसेंशियल डेवलपमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो 5 से 7 साल उसके प्रोडक्ट की लाइफ होती है। जो अब आज फोन आया है वो अगले 7 साल तक मार्केट में रहेगा, उसके बाद कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी। कंज्यूमर्स कैन यूज़ टू एन नंबर ऑफ लाइफ, ठीक है। फॉर बेसिक फार्मास्यूटिकल्स द टाइम स्पेन मे बी 7 to 10 years। जो दवाइयाँ हैं उनका बेसिकली 7 to 10 years होता है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, दवाइयों की एक स्टडी होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि जितनी दवाइयाँ हम लोग इनटेक करते हैं उतनी हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। देन उसके बाद वो दवाइयों का असर होना ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, या कम हो जाता है, या इतना कम हो जाता है कि वो उस जिस काम के लिए दी जा रही है वो हो नहीं पाता। तो उन दवाइयों का अलग वेरिएंट लाया जाता है। आप इसके ऊपर गूगल पे सर्च करिए तो आपको बहुत सारी दवाइयों के ऐसे नाम मिलेंगे जो हर साल बंद करी जाती हैं या जिनका मैन्युफैक्चरिंग बंद करी जाती है, बिकॉज़ कि हमारी बॉडी अब उसकी यूज़ टू हो गई है, या हमारी बॉडी पर उस दवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब सर ये आपको मिलेगा, तो आपको पता चला है यहाँ पे कि फार्मास्यूटिकल्स जो नॉर्मल होते हैं वो 7 से 10 साल हो सकती हैं दवाइयों की एज, ठीक है सर। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी अभी हमने समझा, बट इन अ डिफरेंट वे मैं आपको समझा रहा हूँ एक चार्ट के थ्रू। देखिए सर, ये चार्ट आपके सामने है, आपके इधर दिख रही है सेल्स और नीचे दिख रहा है टाइम। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है मार्केट में, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, देन मैच्योरिटी हो जाती है उसकी, देन डिक्लाइन हो जाता है, सेम एज अ एज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जैसे एक नॉर्मल इंसान की भी आप अगर बात करें, सबसे पहले उसका जन्म होता है, देन वो ग्रोथ पीरियड में जाता है अपने, या बोलो अडल्टसेंट होता है, उसके बाद अडल्ट बनता है, और उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ठीक है सर।
जैसे हम लोग बोलते हैं बचपन, ठीक है, जवानी एंड बुढ़ापा, तो तीन पीरियड हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, बट एक पीरियड यहाँ पे बीच में भी होता है जो ग्रोथ की तरफ होता है, जिसमें कुछ बॉडी में चेंजेस भी आते हैं, जिसे हम लोग किशोरावस्था भी बोलते हैं। तो सर आपने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चार फेजेस होते हैं, ये आपको याद रखना है। चार फेजेस, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इन चारों फेजेस में हम लोगों को देखना है कि बिहेवियर क्या है सेल्स का, कि इंट्रोडक्शन में सेल्स क्या होगी प्रोडक्ट की, या इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट क्या होगा प्रोडक्ट का, या इंट्रोडक्शन में कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्ट की, या इंट्रोडक्शन जब हम लोग प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो उसका कॉम्पिटिशन क्या होगा। इन्हीं सब के लिए मेरे पास एक और चार्ट है आपके लिए। देखिए सर, यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये चारों चीज़ें हमने अभी अभी देखी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है जो है इंट्रोडक्शन में सेल्स कैसी होंगी सर। सेल्स आपकी लो होंगी, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आपकी सेल्स लो होंगी। दूसरी चीज़, आपके प्राइसेस हाई होंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हाई होने की वजह से आप पर कस्टमर जो प्राइस चार्ज करेंगे वो हाई होगा। हाईएस्ट प्रमोशनल एक्सपेंसेस, शुरू शुरू में प्रमोशनल एक्सपेंस आपके ज़्यादा लगते हैं बिकॉज आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में न्यू है। अज्यूमिंग दैट योर प्रोडक्ट इज़ न्यू टू द मार्केट एंड नॉट अ ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट, ठीक है सर। अगर आपका ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट है तो उसकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, बट अगर आपका कोई प्रोडक्ट नया है मार्केट में, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, प्रॉफिट सर कैसे होगा, जीरो प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट के या न्यू आइटम के। इसके बाद लास्ट, कॉम्पिटिशन कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन सर बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है तो आपका जैसा कोई मार्केट में और होगा नहीं अभी है, और इधर इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे आप सिंगल सेलर हैं और कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, बट एज योर प्रोडक्ट इज़ न्यू टू द मार्केट कंज्यूमर्स आर ऑल्सो लाइकली रेलिवेंटली लेस। ग्रोथ पीरियड में क्या होगा सर, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा, ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ पीरियड में क्या होगा, सेल्स राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, सेल जो होंगी आपकी वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेंगी। अब ये इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट क्या होता है कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं तुमको इंक्रीजिंग रेट समझाता हूँ। देखिए सर, मान लीजिए मेरी सेल्स स्टार्टिंग में, ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, मान लीजिए 10,000 थी, ठीक है, 10,000 से वो मान लीजिए 15% मैंने उसे बढ़ाया तो 11,500 हो गई, तो 10,000 में आप 15% ऐड करेंगे तो 11,500 आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मुझे निकालना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 15% हुआ चेंज, समझ में आ रही है बात। तो 10,000 से 11,500 हुआ तो 15% इंक्रीज़ हो गया। अब मान लीजिए वो 11,500 से, 11,500 से मान लीजिए आप उसे वो हो गया 13,800। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, 13,800 माइनस 11,500 डिवाइड बाय 11,500, तो इससे आता 20%, राइट। तो आपने क्या देखा कि शुरुआत शुरुआत में सेल्स मेरी 10,000 से 11,500 ही 15% बढ़ी, फिर 11,500 से 20% बढ़ी, तो सेल्स बढ़ तो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग, बट एट ऑल्सो इंक्रीजिंग रेट। पहले वो 15% से बढ़ी ना, वो 20% से बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, ठीक है सर। इसके बाद प्राइसेस अभी भी हाई रहेंगे क्योंकि आप शुरुआती टाइम से, इंट्रोडक्शन से अभी अभी निकले हैं, जैसे कि आपको मैंने ग्राफ में भी दिखाया, ग्राफ ऐसे की तरफ बढ़ता है, तो आप अभी भी उस पीरियड से उठ रहे हैं, तो अभी भी आपको हाई प्राइस कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ सकता है। इन सम केसेस इट इज़ नॉट लाइकली टू मेंटेन हाई प्राइस, हो सकता है किसी किसी केस में कि इंट्रोडक्शन से आप जब ग्रोथ पीरियड में जाएं तो आपका हाई प्राइस ना हो, कॉस्ट ज़्यादा आपकी रिकवर हो जाए, रिसर्च डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा ही मान सकते हैं हम लोग कम था, या बहुत ज़्यादा पोर्शन का रिकवर हो चुका है। प्रमोशनल एक्सपेंस अब कम हो जाएंगे, नाउ योर प्रोडक्ट इज़ वेल नोन इन द मार्केट, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस है वो उतने ही रहेंगे। तो हाई प्रमोशनल एक्सपेंस, पहले क्या था कि अगर आपका टोटल एक्सपेंस 100 रुपये हैं तो उसमें से 70 रुपये तो प्रमोशनल थे, ठीक है सर। लेकिन इस स्टेज में क्या है कि अगर आपका 100 रुपये का खर्चा हो रहा है तो 100 रुपये में से प्रमोशनल एक्सपेंस का जो पोर्शन है या फिर कंट्रीब्यूशन है प्रमोशनल एक्सपेंस का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद रैपिड प्रेस प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, जब हम लोग बच्चे को भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए वो छोटा बच्चा था, उसके बाद वो एकदम बढ़ता है, तो यही है रैपिड प्राइस प्रॉफिट हो जाएंगे आपके, या रैपिड पेस प्रॉफिट सॉरी, तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो एकदम इंक्रीजिंगली बढ़ेंगे और आपको वो इफेक्ट दिखना लग जाएगा।
इसके बाद एंट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब नया आता है तो उसके अंदर इनसिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन होता है, मतलब आप जब भी प्राइसिंग पॉलिसी अपनी बनाएंगे तो उसमें कंपटीशन को इतना रेलिवेंस नहीं देंगे, बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ न्यू टू द मार्केट, कस्टमर्स आर वेरी न्यू टू योर प्रोडक्ट एंड इट विल टेक टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू बी बेसिकली कंफर्टेबल विद योर प्रोडक्ट। बट जब आपके प्रोडक्ट के साथ वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो कंपटीशन भी आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके जैसे प्रोडक्ट के लिए और भी सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं कंज्यूमर के पास में, तो कंपटीशन अब बढ़ने लग जाएगा ग्रोथ वाले पीरियड में। इसके बाद देखिए सर, मैच्योरिटी वाले पीरियड में क्या हुआ, सेल्स राइजेज आर डिक्रीजिंग रेट। तो सर अब मैंने आपको जैसे अभी बताया था इंक्रीजिंग, इसलिए मैंने आपको डीप में बता दिया ताकि आपको डिक्रीजिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी 10,000 से मान लीजिए सेल्स 15% बढ़ के 11,500 हो जाती हैं, लेकिन अब मानिए 11,500 से बढ़ के वो हो जाती हैं 12,075 रुपये। तो सर पहले आपकी सेल्स बढ़ी 15% सीधा 11,500 हुई, अब 11,500 से बढ़ रही हैं 5% बढ़ी 12,075 रुपये, लेकिन आपने क्या देखा सर पहले वो बढ़ी थी 10% से, अब वो बढ़ी है 5% से, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज घट गया, इट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग रेट। हालांकि सेल्स अभी भी इंक्रीज ही हो रही हैं बट एट डिक्रीजिंग रेट, पहले से कम बढ़ रही हैं, ठीक है सर, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट वेल नोन हो चुका है मार्केट में, मैच्योर हो चुका है। मैच्योर का मतलब क्या है, अडल्ट। अपनी लाइफ में देखा जाए अडल्ट एक ऐसा टाइम होता है, मैं बोलूँ 18 से 21 साल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बच्चा अपनी हाईएस्ट कैपेसिटीज़ में होता है, हाईएस्ट मैं बोलूँ एनर्जी में होता है, जिसके अंदर वो सारे काम कर सकता है जो भी उसको अपनी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ करने हैं। तो मैच्योरिटी में जैसे आपने ग्राफ में देखा था, ग्राफ ऐसे अप हो रहा था सेल्स का, तो जब वो ग्रोथ से निकल के मैच्योरिटी पे पहुंचता है, उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसका पॉइंट हाईएस्ट होता है प्रॉफिट के लिए, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहा था वो अब नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, मार्केट ओरिएंटेड हो जाएगा, स्टैंडर्ड टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंस वैसे रिलेटिवली कम हो जाते हैं और हो सकता है बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा कम हो जाए। फ्रीन्स कॉम्पिटिशन का मतलब है भयंकर कॉम्पिटिशन, ठीक है सर, कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाता है मैच्योरिटी पीरियड में, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि जैसे वो ग्रोथ पीरियड पार करके मैच्योरिटी पीरियड में पहुंच जाता है ना प्रोडक्ट एक बार, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो जाती है प्रॉफिट कमाने की, नॉर्मल वाला जो सब लोग स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, ठीक है सर, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। अब देखिए सर, इंट्रोडक्शन ग्रोथ और मैच्योरिटी के बाद यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, आप प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन कर दीजिए, इंट्रोडक्शन हुआ उसका ग्रोथ हुई मैच्योरिटी हुई इनोवेशन कर दिया, तो आपके फिर से साइकिल ही रिवर्स हो जाएगी, फिर से उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर से ग्रोथ होगी और फिर से मैच्योर में आ जाएगा वो प्रोडक्ट, लेकिन आपका वेरिएशन करना ज़रूरी है। यही एक कारण है कि नोकिया फेल हुआ, नोकिया के इंट्रोडक्शन सही था, ग्रोथ काफ़ी हुई, मैच्योरिटी पीरियड उसका काफ़ी लंबा रहा, बट आप जैसे देख सकते हैं अब वो डिक्लाइन स्टेज में चल रहा है। लेकिन जैसे मैं बात करूँ जियो की, तो जियो शुरू शुरू में कम था, फिर उसकी ग्रोथ हुई जब उसने फ्री में बांटना स्टार्ट करा सैंपल्स को, फिर सैंपल्स जब उसके मैच्योरिटी पीरियड में पहुंचा, सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा बिकने लग गए, तो उसने अपनी सिम में वेरिएशन कर दिया और सर्विसेज ऐड कर दी, जैसे जियो टीवी ऐड करा उसने, जियो सावन ऐड कर दिया, तो बहुत सारी उसने मैं बोलूँ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करी, जिससे उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन नहीं आने दिया, उसने आगे ले गया, ठीक है सर, तो उसने नॉर्मल प्रॉफिट बनाए रखा और अभी भी कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है और वो रेगुलरली अपडेट्स को करता रहेगा। तो इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी में ही चलेगा, डिक्लाइन में वो कभी आएगा ही नहीं। इसके बाद सर जो हमारा लास्ट है डिक्लाइन वाली स्टेज, उसके अंदर सेल कम हो देंगी, सिंपल वाली बात है कि अब आपका प्रोडक्ट पुराना हो चुका है मार्केट में या आउटडेटेड हो चुका है, आपका प्रोडक्ट को कोई परचेज करना चाहता नहीं है जल्दी, ठीक है सर, तो इसमें सेल्स आपकी डिक्लाइन होंगी, प्राइस आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप सारी अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुके होंगे। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ग्रोथ और मैच्योरिटी में सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती हैं, बची वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप रिकवर कर रहे हैं तो उसका प्राइस आप कम रखेंगे। इसके बाद रिड्यूस प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाते हैं क्योंकि मार्केट से ऑफ हो चुका है आपका प्रोडक्ट, तो आप उसका कोई प्रमोशन करते भी नहीं है, हालांकि डायरेक्ट कस्टमर जब आते हैं तो आप उन्हें मना भी नहीं करते। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कम होते रहते हैं, लेकिन हालांकि अभी आपका कंसर्न लॉस में नहीं चलता, हो सकता है कि लॉस भी हो। इसके बाद फाइनली कॉम्पिटिशन स्टार्ट डिसअपेयरिंग, कॉम्पिटिशन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे लैंडलाइन में कॉम्पिटिशन अब है ही का, कौन कौन सी कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं लैंडलाइन, लैंडलाइन के केस में आजकल मेरे ख्याल से तो कॉम्पिटिशन में जीरो है, कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है, लेकिन हालांकि हम लोग अभी भी मार्केट में उसको देख सकते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट कस्टमर अगर जाता है किसी कंपनी के पास में तो वो मना नहीं करती है उसको। कि सर ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट,
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कमेंट करके, ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूं। अगली वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, जो जो हमारे रेलिवेंट होंगे। चलिए सर, जब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।